ओम शांति। आज सवेरे बाबा कह रहे थे कि बच्चे बाप समान बनो। उसके बाबा ने शिक्षा दी आज कि बाप समान कैसे बनेंगे, तो बाप की आज्ञा पर चलो। तो शिव बाबा की ब्रह्मा मुख के द्वारा जो हम बच्चों को आज्ञा मिली है, कम से कम वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सभी चाहते हुए भी सभी कर नहीं सकते हैं। वातावरण इतना दूषित है, शरीर भी इतना कमज़ोर है, आत्मा भी शक्ति ही नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि 84 जन्म लेते लेते अंत में आई है। ऐसे वातावरण, ऐसी परिस्थिति में तो बाबा का जो लक्ष्य है, मेरे बच्चे पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाए और थोड़े से पुरुषार्थ के अनुसार बहुत कुछ प्राप्ति करे। तो हमने अपने जीवन में देखा कि क्या करने से कि बाप को हम संतुष्ट कर सकते हैं, बाप की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो देखा अपने जीवन में कम से कम तीन विधियां हमने अपने जीवन में अपनाई। एक, अमर आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए कि आत्मा जन्म लेते 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 शक्तिहीन हो गई है। कुछ करना चाहते हम, समझते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी शक्ति नहीं है। ज्ञान है, समझ मिला, तो भी देखा ब्रेक लगता नहीं है, तो किसकी कमी है। तो बाबा ने बच्चे ज्ञान सब कुछ नहीं, ज्ञान के साथ शक्ति चाहिए, तब ब्रेक लगता है। तो देखा जीवन में बाबा ने दो व्यवस्था दिया है, खास करके एक याद, चलते फिरते श्वासोश्वास आप निरंतर बाबा को याद कर सकते हो। उसको बाबा ने कहा बच्चे 8-10 घंटा आप चार्ट भी लग सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि उस याद से चलते फिरते जो हम करते हैं उससे विकर्म विनाश नहीं होते। जो पहले किए हुए पाप है दोबारा विकर्म बनते नहीं हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठकर सवेरे सवेरे, नींद भी हुई, वातावरण भी शांत स्वच्छ है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। सहज तरीका है, उसको इंग्लिश में भी कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सारा विश्व कहता है मेडिटेशन क्या है, एक्टिवेट करो, अपने को जागृत करो। तो कैसे करें, हर सेकंड मैं माना शरीर का भान स्मृति रहती है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम शरीर में रहते हैं। तो कम से कम जब सवेरे हम बैठते हैं तो हमने देखा अपने को मैं जागृत कैसे करो, तो आत्मचिंतन चाहिए। तो वो भी करके देखा, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, तुरंत दूसरा कोई विचार आता है। तो उसके बाबा ने एक व्यवस्था दिया कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर के ऐसे एक विधि बताता है जो दुनिया में आज तक कहीं भी नहीं है। देखो एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी दो हाथ है। आज तक हमको सारे संसार ने पढ़ाया कि एक है मन लगाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकाग्रता ध्यान क्या है, जहां मन और बुद्धि ये दोनों एक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इधर बैठे हो, आंखें खुली है, सुन भी रहे हो, सुनते सुनते देखना और एक विचार आता है, अरे आज उसको फोन करना था, एक काम करना था, तो ये कौन कर रहा है, दो आत्मा तो नहीं है। तो बुद्धि भटकती है, मन भटकता नहीं है, बुद्धि के अंदर और कोई कोई ख्याल चलते हैं। तो बाबा ने कहा अमृत वेले और शाम को दो समय, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो उसकी विधि जो मैं करता हूं वो आपको बताता हूं। जब भी आप बैठते ही अपने आप से बात करो। हम औरों से बात करना जानते हैं, औरों को पूछते हैं आपका नाम क्या है,
तो बैठ करके अपने आप से बात करो, उसको कहते हैं टॉक टू सेल्फ, अपने आप से बात करो, मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है, समझ से जवाब आता है, बुद्धि माना समझ, ऐसी रिपीटेशन नहीं, मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु नहीं, पूछना मैं कौन, ठहरना, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। हाँ, बुद्धि का यूज हो रहा है, तो मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? एक दिन ले लो सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, एक दिन ले लो मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, एक दिन ले लो मैं देव आत्मा हूं, अलग अलग ले सकते हैं। दूसरा, मेरा रूप ज्ञान है, ज्ञान का यूज करो। चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, दिखाई नहीं देगा। आज बाबा ने कहा चित्र नहीं विचित्र, आत्मा को देख नहीं सकते हो, महसूस होता है, तब कहते हैं आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइज करो। जैसे इधर दर्द होता है, दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है दर्द हो रहा है, तो ये बैठे बैठे महसूस होना चाहिए, मैं आत्मा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर तीसरा, मेरे गुण आत्मा के साथ दैवी गुण है। एक एक गुण अपने को पढ़ाओ रोज, कि मेरे गुण कौन से हैं। जितना रोज पढ़ाते जाते हो वो याद रहता है, सवेरे सवेरे पढ़ाएंगे सारा दिन वो दैवी गुण जागृत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, इस शरीर को चलाता हूं। कम से कम 15 मिनट जब योग में बैठते हो, कोई गया कोई आया, हाथ हिल रहा है, पाव हिल रहा है, तब बाबा ने व्यवस्था दिया, बच्चे ये एक यूनिक मेडिटेशन है, एक विशेष है, ये सारे कल्प में एक ही दफा शिव बाबा आके सिखाता है, क्योंकि पतित आत्मा को पावन करना है, एक ही काम बाबा का। तब का बच्चे विदेही बनो, अशरीरी बनो, शरीर का यूज नहीं करो 15 मिनट, सिर्फ एक जगह पर अपने आप आंखें खड़ी है, आंखें बंद खटिया पर करते हैं, आंखें खोल के कम से कम 15 मिनट बस, तो बैठकर शरीर को हिलाना नहीं। पांचवा, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। तो परम धाम में कौन है? आंखें इधर ही खुली है, मन और बुद्धि चल रहा है, बुद्धि को पूछा आपने मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। कौन है वो? तो बाबा ने कहा बाप समान बनो। मेरा पिताजी क्या करता है? वो पवित्रता का सागर है, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, तो मैं क्या करूं? आप किस में पवित्र हो? आप कैसे पवित्र हो? मैं क्यों नहीं हूं? मैं भी परमधाम में था, तो क्या करो? बाबा से बात करो, बाबा आप कैसे हो? तो बाप समान। फिर दूसरा, बाबा कौन? शांति का सागर, कभी गुस्सा नहीं करता है। हमारा पिताजी क्या करता है? सन शोस फादर। बाप क्या कर रहा है? बाबा ने कहा मेरे जैसे बनो, सुपूत बच्चे बनो, उनको सुपूत बच्चों को बाप भी याद करता है। तो मेरा पिताजी क्या करता है? कभी भी गुस्सा नहीं करता है, मुझे भी किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में मुझे भी गुस्सा नहीं करना है, अगर बाप पसंद बनना चाहते हो तो। तीसरा, हमारा बाप क्या करता है? ज्ञान सुनाता है। जो बाबा ने सवेरे सवेरे आकर के हमको ज्ञान सुनाया तो अपने तक रखो नहीं, दान करो औरों को भी सुनाओ। तीसरा, चौथा, बाबा क्या करता है? दुख हरता सुख करता है। जितना हो सकता मेरे द्वारा औरों को जितना सुख दे सकते हो, 1%, 80%, 90%, हर एक की अपनी योग्यता है, प्रयत्न करो। मुझे हर एक शिव बाबा के बच्चों को, कोई भी रावण का बच्चा नहीं है, हर एक कितना भी खराब हो उस शरीर के अंदर शिव बाबा का ही बच्चा है, परम धाम से आया हुआ ही है, और कहीं से आया हुआ नहीं है, ये समझ मिली है। फिर शिव बाबा कौन? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। शिव बाबा कौन?
भाग्य विधाता है। आज भी बाबा ने कहा बच्चे मन तन धन कैसे लगाना चाहिए, अपना भाग्य अपने आप नहीं बनता है। धरती पर एक बीज बोलो 50-100 दाना लगता है, ये भगवान नहीं देता है, धरती देती है, ये विधान है। तो शिव बाबा आके कहता है बच्चे तन किसकी सेवा में लगा रहे हो, कैसे ये निरोगी काया होगा, अपने आप होगा। धन कहां लगा रहे हो, ना आप लेके आए थे ना ले जाएंगे, तो ये मन आपका नहीं, मन किसके श्रीमत के अनुसार चल रहा है। तो कहा भाग्य विधाता रोज हमें विधि बताता है, बच्चे तन मन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये वर्षा चाहिए, ये ऊपर से नहीं आएगा, विधान बताता है। और उसकी विधि बाबा ने बताया, एक मिनट अगर ये तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हो एक का पदम गुना मिलता है। धरती आज भी कलयुग में भी एक बीज बोलो 50-100 दाना देती है, तो भगवान पदम गुना देता है। तो हर एक की विधान बताता है। फिर शिव बाबा कौन, दिव्य बुद्धि दाता है। एक एक शक्ति ले लो और बाबा से बात करो। जैसे देख लो उदाहरण के लिए, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, आप बात कर सकते हो, कर सकते हो नहीं, नंबर चाहिए। हम भी आत्मा है, शिव बाबा भी आत्मा है, मेरा आवाज वहां कैसे जाएगा, अपने आप जाएगा? आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाता है। अगर मैंने आपका नंबर गलत डायल किया तो मेरा आवाज जाएगा? आप कहेंगे मैं भेज रहा हूं लेकिन आवाज नहीं पहुंच रहा, नंबर है, फ्रीक्वेंसी मीट कहते हैं उसको। तो यहां भी दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। तो आत्मा लाइट है, तो आत्मा के वाइब्रेशन सदा ऊपर ही जाते हैं, ऐसा नहीं जाता है। तब बाबा ने इतनी सहज विधि करके बताया, इसी को ज्वाला स्वरूप कहते हैं, योग अग्नि कहते हैं, ये तपस्या है। सारा दिन नहीं, 15 मिनट कम से कम, सवेरे बैठो, देखना आप जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, अगर 1 महीना 2 महीना रोज इस प्रकार सवेरे 15 मिनट शाम को 15 मिनट करते हो तो देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे 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 मिटते जाएंगे। तब हमें विश्वास होता है, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। विश्वास के बिगर हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती है। आज सवेरे उठने के लिए योग में क्लास में अलबेलापन क्यों, आलस क्यों आया? अगर किसी को 1 लाख की लॉटरी मिलती है तो सोते रहेंगे, नींद नहीं आएंगी? तो इसलिए बाबा कहता है ये चिंता चाहिए कि इस शरीर में रहते हुए थोड़े से समय के अंदर बहुत जन्मों का विकर्म विनाश करना है। और उसका थर्मामीटर है, अगर मिनिमम 1 महीने तक 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आया तब आप कह सकते हो मैं पवित्र आत्मा हूं, मेरा 1 बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। अग्नि में भी डाल दो आग भी जला नहीं सकती है। अगर 1% भी बुरे स्वप्न है, अंदर पाप है, उसका नाम पाप आत्मा है। अपने आप फरिश्ता, अपने आप पाप आत्मा पुण्यात्मा नहीं बनते। दूध कहीं भी ले लो एक जैसा है नहीं, साइंस ने थर्मामीटर बनाया कितना पानी है कितना दूध है, यहां भी मापदंड है। कैसे कहते ये महात्मा है ये पाप आत्मा है ये पुण्य आत्मा है, किस आधार से कहा आपने? ऐसे ही कहा, मापदंड है। अगर कोई कहता है आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आते, अंदर पाप नहीं है, तो उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसको हम कहते हैं कर्मातीत आत्मा। वो जाके कल फरिश्ता परसों देवता। तो ये पुरुषार्थ क्यों चाहिए? अगर मुझे सिर दर्द होता है डॉक्टर गोली देता है, 1 गोली खाई पता चलता है हाँ डॉक्टर भी अच्छा है गोली भी अच्छा है, विश्वास होता है, तो 5 गोली खाते हो आप, औरों को भी बताते हो। तब का सुनने से नहीं होगा, हम बहुत कुछ ज्ञान जानते हैं लेकिन किया हुआ अनुभव नहीं है। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, अनुभव चाहिए। तो एक विधि चाहिए, सवेरे अमृत वेले उठते ही आत्मा को मन बुद्धि एक कर
ये पांच प्रश्न डायल किया और बाबा से बात करते, आपका आवाज सीधा वहीं जाता है, दिखाई नहीं देता है। यहां से आप अमेरिका में बात करते हो, नंबर डायल करो, आपका आवाज अपने आप वहां चला जाता है, कोई दिखाई नहीं देता है। तो यहां भी आत्मा के आवाज इधर उधर नहीं जाता है। ये एक तरीका। दूसरा सबसे सहज है कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, कहा अपने आप नहीं, पढ़ाई चाहिए। रोज बाबा पढ़ाता है, सारी मुरली याद नहीं रख सकता है, इतनी स्वच्छ बुद्धि नहीं है। तो मैंने देखा अपने जीवन में सारी मुरलियों में से एक आपके इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा उसको नोट करके भाई अपने जेब में रखना। नहीं तो हमने लिखा डायरी एक जगह पर, हम एक जगह पर, तो जेब में रखा। भाई माताएं लिख कर अपने किचन में जहां आप रहते हो अपने साथ रखो। शरीर को कम से कम 3 दफा हम खाना खिलाते हैं, उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को 1 ही दफा। शक्तिशाली कौन? शरीर। तो क्रोध जाएगा, 5 विकार मिटाएंगे, मिटेंगे तो क्या करे? तो बाबा ने व्यवस्था दिया, बच्चे एक मुरली के पॉइंट जेब में रखो, भाई माताएं अपने पास रखो। हर एक को भगवान ने 2 हाथ दिया है, खाना आते ही ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में। बाबा ने क्या कहा? पड़ा रख दिया, यह आत्मा के लिए भोजन है। शुद्ध विचार सवेरे दिन में शाम को 3 दफा आप 10 दिन करके देख लो, सदा नहीं चाहिए, कम से कम 10 दिन देखना। अपने आप जो हम बार बार क्रोध आता है, गुस्सा जाता नहीं है, ये क्रोध को मिटाने की दवा है। क्रोध बेहोशी में आता है। अगर सारा दिन में ज्ञान की स्मृति है, होश है, तो वहां बेहोशी नहीं हो सकती है। पता चलता है ये गलत कर रहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे सहज तरीका बाबा बताता है, बच्चे ज्ञान अपने साथ रहे, ज्ञान अमृत है, तो विष उधर नहीं आ सकता है, 2 एक साथ नहीं रह सकता है। तीसरा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता और नंबर 1 राजयोग है। कुछ नहीं करना, आज एक दिन आप करके देख लो, आज रात को आप सोएंगे देखना एक भी बुरे सपने आएंगे। और एक मनुष्य प्रूफ चाहता है, ऐसे कहने से नहीं तो आज सुनना कल सवेरे देख लो आप, कुछ भी नहीं करना है, ये नंबर 1 पवित्रता है। बाबा ने कहा बच्चे आप 108 की माला में आ सकते हो, गृहस्थ में रहते हुए भी संसार में रहते हुए भी सिर्फ एक काम करना है। क्या है वो? आपके आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आया उसको खाली हाथ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ दान दे दो। तो क्या दान देंगे आप? उसी को निरंतर याद कहा, उसी को कहा श्वासोश्वास बाबा भगवान को याद करो। क्या है वो? इतना सहज करके दिया, बच्चे किसी पर नजर गई, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे का कल्याण करो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो। इतना ही, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा निरंतर मुझे अपना साथी बनाओ। दुनिया में भी लोग कहते हैं जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता। क्या भगवान हमारे साथ रहेगा? पूछ लो आप, रहेगा भगवान हमारे साथ? वो कौन और हम कौन? हाँ, उसको रख सकते हैं हम। तो वो विधि आके बाबा बताते हैं, बच्चे श्वासोश्वास निरंतर, अगर कोई नहीं आप अकेले हो तो भी याद आता है, देखो 2 साल पहले उस भाई ने बहुत परेशान किया, हाँ किया था बाबा, वो कौन? वो आपका बच्चा है, उसको सुधारना ठीक करना आपका काम है, वो मेरा बच्चा नहीं, मेरा दुश्मन नहीं, आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को ठीक करो, उसको शांति की शक्ति दे दो। इसको मनसा सेवा का, सामने भी है, अगर सामने नहीं है तो भी अगर रोज सवेरे से कम बाबा कहता 8 घंटा नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 घंटे में एक व्यक्ति को, एक बूंद भगवान के, एक बूंद के हम प्यासे हैं,
एक एक बूंद एक एक घंटे में इकट्ठा करो, रात तक ग्लास भर जाता है। एक दिन करके देखना, उस दिन देख लो, रात को सोएंगे आप, एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, चमत्कार नहीं आए। हमारा मन दो काम करता है, किसी को देखते ही गलत भी सोच सकता हूं, अच्छा भी सोच सकता हूं। हम दूसरों को कहते हैं आप ऐसा नहीं करो ऐसा करो, नहीं, स्वयं को पढ़ाओ, स्वपरिवर्तन, अपने मन को पढ़ाओ कि किसी पर नजर गई कितना, इसको शास्त्रों में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है, क्या करना चाहिए, और एक पत्थर मारना चाहिए। तो भी बाबा ने कहा वो भी शुभ बाबा का बच्चा है, उसका भी कल्याण करना चाहिए। हम नहीं कर सकते, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, ये है शुभ भावना। और ये है नंबर वन पवित्रता। गलत विचार पहले मन में आता है, फिर दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म। बुरे विचार कहां से आए? पहले मन में। मच्छर कहां पैदा हुए? जहां गंदगी है। तो ब्रह्म, आप कहेंगे मैंने शादी नहीं किया है तो उसको पवित्रता नहीं, ब्रह्मचारी कहा। दुनिया में कितने ब्रह्मचारी है, कितने साधु संत है, सत्युग में आएंगे नहीं? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन पवित्रता है, बच्चे किसी पर भी नजर गई, इतना सिंपल बाबा ने किया, उस आत्मा के प्रति शुभ विचार, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, मुझे दे दो, मांगना नहीं। बच्चे मांगने वाले ने, जितने आप देते हो उतना आपको मिलता रहेगा। तो हमने देखा अपने जीवन में, अगर अपने मन को जीतना चाहते हो, मन जीत जगत जीत का, ये मन खराब है, उसको ठीक करना है, औरों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। किसी पर किसी का अधिकार नहीं, हर एक को जीने की स्वतंत्रता है। कोई प्रजा बनना चाहता है, आप उसको खींच के राजा बना सकते हो? हर एक का अपना अधिकार है, हर एक का अपना, बाबा कहता है ड्रामा। तो उन तीनों को देखते हमने अपने जीवन में देखा सिर्फ तीन बातें। एक, सवेरे से रात तक आपका बेटा है, आपका नहीं है, वो शुभ बाबा का है। आपका पति कब कहां तक है, घर घर से शुरू करो, रास्ते पर चलते किसी पर नजर गई, कोई भी हो, देखते ही मन में ये विचार अगर आता है, शुभ बाबा नंबर वन पवित्रता है, और नंबर वन याद है, शुभ बाबा इसका कल्याण करो, ये नंबर वन याद है। 8 घंटा 10 घंटे कर सकते हो, जितना आपके हाथ में, रोज एक पढ़ाई, पढ़ेंगे लिखेंगे, एक मुरली के पॉइंट स्मृति में रहे, जैसी स्मृति वैसी आपकी वृत्ति दृष्टि अपने आप चेंज हो जाएंगी। स्मृति श्रेष्ठ चाहिए, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। तो स्मृति को रखने के लिए एक मुरली के पॉइंट बार बार, कम से कम 3 दफा अपने को पढ़ाओ। इतना भी नहीं, अगर और आगे जाना चाहते हो, किसी को भी देखा, कोई मिले, उनको शेयर करो, भाई जी ओम शांति, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। हमारे मुख से एक मुरली के पॉइंट निकलना चाहिए, ज्ञान दान करना चाहिए। अगर ये 3 काम करते हो तो मैंने देखा अपने जीवन में, आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार नंबर वन पुरुषार्थी है। सभी पूछते हैं क्या पुरुषार्थ करे, क्या अभ्यास करे, ये सारे जीवन के लिए, सुनते रहो, सब कुछ सुनो, करना। सवेरे उठकर आत्मा को सशक्त बनाना चाहते हो, पावर चाहिए, अमृत वेला, और शाम को सवेरे 4 से 5 के बीच में, शाम को 6 से 8 सूर्य अस्त होने के बाद, उस समय बैठकर 15 मिनट कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा विधि चाहिए। ऐसे नहीं बाबा के पास बैठे, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप आनंद के सागर, बाबा को पता है मैं प्यार का सागर हूं, ये महिमा हो गई। बाबा कहता मेरा पिताजी क्या करता है, वो मुझे करना है, उनकी एक एक शक्ति याद करो, बाप क्या करता है और मैं क्या करता हूं, ये कंपेयर कब, बाबा ने कहा बाप समान बनो। अगर ये 3 काम करते हो, देखा जीवन में नंबर वन पुरुषार्थी है। रोज का देखो, मुरली का एक ही पॉइंट नहीं, बाबा को याद करो, मुरली के अंदर कोई ना कोई एक नया पॉइंट होता है जो कभी नहीं सुनाया, पूरी मुरली ध्यान से सुनो और देखना आज सारे मुरली में बाबा ने विशेष क्या सुनाया,
नया क्या सुनाया, वो नोट करके रखो और वो अपने आप को भी पढ़ाओ, औरों को दान भी करो। देखो 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आएंगे। नहीं तो आपने 3 दफा मुरली पढ़ी, सुनी भी, कुछ भी अंदर गया नहीं है। इसलिए कहते सुनना श्रवण करने से आचरण में नहीं आता है, समझ चाहिए। तो मैंने सुनने के बाद मुझे क्या समझ में आया, वो अपने आप आचरण में आता है। तो हमने अपने जीवन में देखा कि अगर अपना जीवन एक रस, अचल अडोल बाबा कहते हैं, परिस्थिति माया सब आता है, नहीं ऐसे नहीं, तूफान आएगा, लेकिन आपका दीपक अगर शक्तिशाली है उसको कोई हिला नहीं सकता है। क्यों? आपके साथ सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। उसको बाबा कहता है दिल से बाबा करो। दिल मना, ये दिल नहीं, ये दिल तो खून चलाता है, बुद्धि स्मृति है, किसी को देखते ही ये शुभ बाबा का बच्चा है, निरंतर स्मृति है। तो ये दिल है, बुद्धि का नाम है दिल। तो उस बुद्धि में किसकी याद है? अभी देखो आप यहां बैठे बैठे शाम को बाबा आएगा, बाबा से मिलने आए हो, देखते देखते बैठे बैठे अरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, पति ने खाना खाया कि नहीं, माताओं को क्यों, कौन याद आएगा, बिजनेस वालों को कौन याद आएगा, डॉक्टर को कौन याद आएगा। अगर उस समय सब कुछ भूलना चाहते हो तो अभ्यास चाहिए थोड़ा सा, क्या बैठते ही मैं कौन, नहीं तो मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, स्व की स्मृति रहती है। हाँ रहना चाहिए सारा दिन, कर्म करने बैठते, योग करने बैठते हो यहां बैठने के बाद, तो वो प्रोफेशन याद आना चाहिए कि मैं यहां योग करने बैठा हूं, यहां बाबा से मिलने के लिए बैठा हूं। उस समय किसी किसी को देखो फोटो निकालते हो, मोबाइल चलाते हो, वही करते रहो, उसके लिए आए हो? सोच लो आप, अपने आप से पूछो, फोटो निकालने के लिए बाद में कर सकते हो, बाबा कहीं नहीं जाता है, गुलजार दादी कहीं नहीं जाती है, लेकिन पहले 15 मिनट बाबा आ करके जब दृष्टि देता है, मुरली सुनाता है, तब तक 15 मिनट आधा घंटा अपने को हिलाओ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं करो, एक ही लक्ष्य लेके आए हो कि बाबा से मिलने आए हैं। और बाबा चित्र वाला नहीं, ये विचित्र है, निराकार है। तो आत्मिक स्वरूप में बैठकर, तो बैठने के लिए अपने आप आत्मिक स्वरूप नहीं होता है, तो आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन करने की विधि बताया, तो 15 मिनट अगर आप आके बैठते हो तो इधर उधर देखो नहीं, किसी के लिए कुछ, मोबाइल सब कुछ बंद, आत्मिक स्मृति को जागृत करो। अगर ये करते हो देखना आप अच्छा अनुभव कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया? तो क्या अभ्यास करना चाहिए सवेरे, दिन में, शाम को, कि एक रस अवस्था चाहिए, अटल अडोल अवस्था चाहिए। बाबा कहते बाप समान बनो, कैसे बनेंगे, बहुत कुछ पुरुषार्थ करना है। कम से कम ये 3 बातों को अगर आप ध्यान देते हो, ये नंबर 1 ब्राह्मण जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपने जीवन से अनुभव आपके सामने रखा। अभी हर एक को अपना चॉइस है, जो जैसे बनना चाहता है वैसे आप उपयोग करेंगे। ठीक है, ओम शांति।